नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट से, जहां पर हिमाचल प्रदेश स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को और भी बेहतर करने के लिए हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश स्टेट में कई सारे नेशनल हाईवेज एंड टनल प्लेट्स का फाउंडेशन एंड इनॉग्रेशन कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों ये सभी हाईवे प्लेट्स हैं, इनकी टोटल लेंथ 222 किलोमीटर की है, जो कि नंबर में टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी जो कॉस्ट है वो 6155 करोड़ रुपीज एस्टिमेट की गई है, जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश स्टेट की जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के साथ साथ में इसकी नेबरिंग स्टेट्स एंड कैपिटल दिल्ली से भी जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है उसको भी बेहतर करने वाले हैं। एंड इसके अलावा नितिन गडकरी जी के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश स्टेट में 11 मोर टनल्स का कंस्ट्रक्शन भी किया जाने वाला है। एंड एज ऑफ नाउ हिमाचल प्रदेश स्टेट में वेरियस कंस्ट्रक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस में 8 टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से लेह मनाली टनल है जो वो गवर्नमेंट की हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है। एंड दोस्तों इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हिमाचल प्रदेश स्टेट में टोटल 491 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाने वाला है, जिस पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से 15,000 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाने वाले हैं। इसके अलावा एक रोडवे प्रोजेक्ट एंड केबल कार प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर ट्रैवलर्स के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि वो महाराष्ट्र की दो मेगा सिटीज़ यानी कि मुंबई एंड पुणे, इन दोनों सिटीज़ के बीच में जो ट्रेन चलती हैं, अभी ट्रेन रूट्स है, वहां पर विस्टाडम कोचेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों अगर आपने कभी भी मुंबई से पुणे के बीच में ट्रैवल किया है बाय ट्रेन, तो आपको पता होगा कि इनके बीच में जो रूट है वो वेस्टर्न घाट से होकर गुजरता है, जहां पर हाई माउंटेन्स, डीप वैलीज, इस तरह के ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलते हैं। एंड स्पेसिफिक इसी तरह की चीजों के लिए हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा इन विस्टाडम कोचेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि अब यहां पर भी इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं। एंड यहां पर इन कोचेस को पुणे डेकन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में इक्विप किया जाएगा, जो कि 26 जून से यहां पर जर्नी स्टार्ट कर देगी। एंड दोस्तों नाउ अगर आप मुंबई एंड पुणे या फिर इन जगह के आसपास में रहते हैं, तो आप भी इन विस्टाडम कोचेस में राइड कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ ये विस्टाडम कोचेस हमारे देश में दादर एंड मडगांव, अराकू वैली, कश्मीर वैली, दार्जिलिंग, कालका एंड शिमला, कांगड़ा वैली, माथेरान हिल्स एंड नीलगिरी माउंटेन्स, यहाँ पर रन किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी लंबे समय के बाद साउथ गुजरात के वालसड डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। एंड इसके फास्ट डेवलपमेंट के लिए गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से इसकी बिड्स भी इन्वाइट कर ली गई हैं। बेसिकली दोस्तों ये जो न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट है, इसको साउथ गुजरात के वालसड डिस्ट्रिक्ट के नरगोल विलेज में डेवलप किया जाएगा, जो कि काफ़ी लंबे समय से डिले चल रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स के कारण ये जो प्रोजेक्ट है इस पर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को राजी नहीं था। लेकिन अब गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो इन्वेस्टर होंगे उनको श्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके चलते उनकी तरफ से इस पोर्ट को ऑपरेट करने का जो टाइम पीरियड है उसको 50 ईयर्स तक कर दिया गया है, जो कि प्रीवियसली 30 ईयर्स हुआ करता था। एंड दोस्तों ये नारगोल पोर्ट होने वाली है, इसको एक लार्ज पोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ये पोर्ट मुंबई की JNPT पोर्ट की तरह लार्ज कंटेनर्स को हैंडल कर सके। एंड करंटली दोस्तों इसके एरिया, इन्वेस्टमेंट या फिर जो बर्थ होती हैं उसको लेकर कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, लेकिन ये जो बिडिंग प्रोसेस होने वाला है ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस होने वाला है, जहां पर डेवलपर होगा वो इस पोर्ट को बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी कि BOOT मॉडल पर डेवलप करेगा। दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लॉन्च किए जाने वाले एक न्यू सिस्टम को लेकर, जहां पर हमारे यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भारत सरकार के द्वारा या फिर उनके द्वारा जल्द ही देश में नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का फेज वन लॉन्च कर दिया जाने वाला है, ताकि आने वाले समय में भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसको और भी बेहतर किया जा सके। बेसिकली जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है वह इस तरह का सिस्टम होता है, जहां पर एक इन्वेस्टर, चाहे फिर वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन हो, जब भी वो इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात करता है तो उसको इन्वेस्ट करने से पहले कई तरह के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। एंड इस सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंतर्गत उसको जितनी भी अप्रूवल्स की जरूरत होती है वो उसको एक ही जगह पर मिल जाते हैं, यानी कि उसको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि जनरली होता क्या है कि हमारे देश में अगर कोई भी इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, यहाँ से अलग अलग अप्रूवल लेनी पड़ती है, जिसके चलते उसका जो प्लान होता है वो काफ़ी लंबा चला जाता है, उनके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं। एंड दोस्तों इसके कारण हमारे देश की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो भी कम रहती है। एंड इस तरह का जो सिंगल विंडो क्लियर सिस्टम है वो चाइना में अवेलेबल है, जिसके चलते चाइना में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनका जो अप्रूवल वाला प्रोसेस है वो सिर्फ 3-4 दिन में ही पूरा हो जाता है, जबकि इंडिया में इस प्रोसेस को 12-13 दिन का समय लग जाता है। एंड इस तरह की थिंग्स हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसके चलते सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के फेज वन को भारत में लॉन्च किया जाने वाला है। एंड इसके अंतर्गत हमारे देश की 17 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड साथ ही साथ 14 स्टेट्स को एक साथ लाकर ये जो अप्रूवल वाला प्रोसेस है इसको और भी ईजी कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट से,
जहां पर महाराष्ट्र स्टेट के टूरिज्म सेक्टर को और भी बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट पॉलिसी प्रिपेयर की गई है एंड इसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी अनक्लासिफाइड फोर्स हैं वहां पर अब बेसिक मेंटिस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ताकि टूरिस्ट यहां से ज्यादा आ सके। तो दोस्तों महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 431 फोर्स हैं जिसमें से 41 ऐसे हैं जो कि सेंटर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं एंड वही 41 ऐसे हैं जो महाराष्ट्र स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं एंड रिमेनिंग 337 फोर्स ऐसे हैं जो कि अनप्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड है जो महाराष्ट्र स्टेट रिवेन्यू एंड फोर्स डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। एंड दोस्तों इन सभी फोर्स में जो तो ASI एंड महाराष्ट्र स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं वो क्लासिफाइड एंड प्रोटेक्टेड है जहां पर बेसिक अमेनिटीज भी है एंड अगर कोई टूरिस्ट वहां पर विजिट करने जाता है तो उसको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो अनक्लासिफाइड 337 फोर्स है यहां पर ना तो बेसिक फैसिलिटीज है एंड वहीं यहां पर जो टूरिस्ट आते हैं उनसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता है एंड हर साल इन फोर्स को देखने लाखों में टूरिस्ट आते हैं एंड इसी के चलते यहां पर बेसिक अमेनिटीज का कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे कि अप्रोच रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेज, रेस्टोरेंट्स, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, गाइड्स, पार्किंग, इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी प्रिपेयर की गई है जिसके एक बार इंप्लीमेंट हो जाने के बाद या फिर पास हो जाने के बाद यहाँ पर जो बेसिक अमेनिटीज होगी उनका क्रिएशन किया जाएगा एंड इन सभी फोर्ट्स को अनक्लासिफाइड से निकालकर क्लासिफाइड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा यानी कि यहाँ पर एक बार जब टूरिस्ट आया करेंगे तो उनसे चार्ज लिए जाएंगे। अगली दोस्तों बे निकल कर आ रही है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL की तरफ से जहां पर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से MTNL को उनके 5G नेटवर्क के फील्ड ट्रायल्स करने के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो एलोकेट कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने कुछ में पहले आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि वो MTNL एंड BSNL को उनके खुद के एक्सपेंसेस से जो 5G स्पेक्ट्रम है उसको एलोकेट करेंगे एंड इसी के चलते हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको पहले ही डॉट की तरफ से ये स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया गया था एंड नाउ अब MTNL को भी हमारे डॉट की तरफ से ये स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया गया है जहां पर MTNL स्टेट ओन्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C-DOT के साथ मिलकर जो कि उनका टेक्नोलॉजी पार्टनर है उनके साथ मिलकर उनके 5G नेटवर्क के फील्ड ट्रायल्स करने वाले हैं। एंड दोस्तों MTNL को ये जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है ये दिल्ली सर्कल एरिया में किया गया है जहां पर MTNL दिल्ली के नजफगढ़ में उनके फील्ड ट्रायल्स करने वाली है एंड जो ओवरऑल प्रोसेस होने वाला है इसके लिए MTNL को 6 months का टाइम दिया गया है जिसमें जो इक्विपमेंट्स हैं उनके प्रोक्योरमेंट एंड उनको सेटअप करने के लिए 2 months का टाइम दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से जहां पर भारत के जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है उसको ड्राइव करने एंड वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एनर्जी सेक्टर बिजनेस है उसको और भी डाइवर्सिफाई करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो अब इंडिया में जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है उसमें भी एंट्री करने वाले हैं एंड इसी के चलते वो अगले 3 सालों के अंदर अंदर भारत के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 75,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। रिसेंटली दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जहां पर उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है एंड इसके अंतर्गत वो हमारे देश में सोलर पावर जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ई फ्यूल्स एंड एनर्जी स्टोरेज इन सभी एरियाज में मेगा एंट्री करने वाले हैं जिसके चलते वो हमारे देश में 4 giant complexes या फिर गीगा फैक्ट्रीज को सेटअप करने वाले हैं जिसमें से एक इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, एक एडवांस एनर्जी स्टोरेज, एक इलेक्ट्रोलाइसिस फैक्ट्री फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड एक फ्यूल सेल फैक्ट्री होने वाली है। एंड दोस्तों इसमें सबसे जायंट कॉम्प्लेक्स गुजरात के जामनगर में 5000 एकर्स के एरिया में सेटअप किया जाएगा जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से 60,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। एंड दोस्तों उनके इस न्यू प्लान के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज को उम्मीद है कि वो आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर 100 GW के ग्रीन एनर्जी टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है US बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर ट्रीटोन इलेक्ट्रिक की तरफ से जहां पर इंडिया में उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए ट्रीटोन इलेक्ट्रिक की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि वो अब तेलंगाना स्टेट में उनका एक न्यू ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे जहां पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए उनकी तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया गया है। बेसिकली दोस्तों अभी मैंने आपको कल ही बताया था जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रीटोन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर गुजरात स्टेट में उनका एक EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली थी लेकिन अब ट्रीटोन की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि वो इंडिया में उनका न्यू EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना स्टेट में सेटअप करेंगे जो कि तेलंगाना स्टेट के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जहीराबाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन में सेटअप किया जाएगा जिसको सेटअप करने के लिए ट्रीटोन ईवी की तरफ से 2100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड दोस्तों इस न्यू ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कंपनी की तरफ से सेमी ट्रक्स, सेडान्स, लग्जरी SUVs एंड रिक्शास इन सभी थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी एंड इससे कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले 5 years के अंदर अंदर वो यहाँ पर इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 50,000 ई व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर लेंगे एंड साथ ही साथ 25,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना स्टेट से काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से भी अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।